गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आज है मंडे 18th ऑफ अक्टूबर और इस वक्त मौसम देखो कैसा हो रहा है, बादल हो रखे हैं प्लस बारिश हो रही है। सुबह के बज रहे हैं 6:30। शिल्पी वर्कआउट कर रही है, ऑगी शिल्पी को देख रहा है और मैं पिछला व्लॉग एडिट कर रहा हूँ। सुबह टाइमली तो उठ गया था लेकिन ये व्लॉग थोड़ा सा लंबा होने वाला है ना, तो इसकी एडिटिंग में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है। देखो भैया अभी एडिटिंग खत्म करी है, रेंडर पे लगाया है। आज एडिटिंग करने में ना थोड़ा ज़्यादा वक्त लग गया। बाहर का मौसम देखो आप लोग, बहुत अच्छा मौसम, तेज़ हवाएं चल रही हैं और ठंडी हवाएं चल रही हैं। बारिश में ना ग्रीन लुक्स मच ग्रीनर, मैंने ये बात पहले भी बोली होगी कई बार बट ये फैक्ट है, आप खुद भी देखो अगर तो आपको पता चलेगा। ऑब्जर्वेशन इज द की ब्रो। इसमें ना देखो गमलों में ज़्यादा पानी भर गया है तो मैं थोड़ा पानी ड्रेन ऑफ कर देता हूँ वरना पेड़ सड़ जाएंगे। ऑगी ऑगी ये देखो, जब मैं आता हूँ ना ये ऐसे अपने पैर वैर फैला लेता है कि आओ और खुजली करो मुझे, हैं खुजली बाज, ये खुजली मास्टर। गुड मॉर्निंग शिल्पी। हमारी मॉर्निंग सुबह हो गई है। तुम्हारी मॉर्निंग सुबह हो गई है, अच्छा हाँ ये वर्कआउट कर रही थी, मैं भूल गया मैं सच में भूल गया। मैंने देखा कि तुमने यार नाश्ता वास्ता बना के मेरे ऑफिस के लिए रख दिया, लंच लंच हाँ लंच बना के रख दिया तुमने ऑफिस के लिए। इतना जल्दी आज काम कैसे? क्योंकि मैं जल्दी उठी थी। देखा जल्दी उठने का फायदा, देखा आपको टाइम मिल जाता है हर एक चीज़ के लिए। हेलो, ये मेरा डिसीजन था, मेरे को ज़्यादा लेक्चर मिल तो अब मतलब ठीक है, डिसीजन तुम्हारा था लेकिन मैं तुमसे कब से कह तो रहा हूँ कि उठो जल्दी तुम्हें चीजें काम करने का मौका मिलेगा, वर्कआउट करने का मौका मिलेगा। प्लीज। अच्छा अभी क्या बना रही है, प्याज व्याज क्या काट रही है? ओह ऑमलेट, नाइस। ब्रेड है अपने पास? वेरी गुड, परफेक्ट नाश्ता। तो मैं भी बस सोच रहा हूँ नहा धो के रेडी हो जाऊँ क्योंकि फिर ऑफिस का टाइम हो जाएगा, तो जल्दबाजी रोज करने का क्या मतलब है, बारिश का दिन भी आराम से जाना होगा ऑफिस, तो जल्दी से नहा के रेडी हो जाते हैं। A few inches later. तो भैया प्लान तो था कि ऑमलेट बनाएंगे लेकिन अब मेरा मन कर रहा है कि हाफ फ्राई बना लेते हैं। वो इंग्रेडिएंट्स तो अपने पास है ही कटे हुए, अंडा भी है, तो फिर शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम। भैया मेरा हाफ फ्राई रेडी हो गया है, प्रोटीन हो गया है, टिफिन बॉक्सेस रेडी हो गए हैं, जल्दी से खा के निकलता हूँ ऑफिस को। आज मैं सोच रहा हूँ अपना मोटो व्लॉगिंग सेटअप लेके चलूँ क्योंकि बारिश हो रही है तो थोड़ा अच्छे नज़ारे दिखते हैं, तो आप लोग को थोड़ा अपना ऑफिस का रास्ता दिखा देता हूँ मोटो व्लॉग करते हुए, बारिश भी हो रही है क्योंकि। तो बस भैया नाश्ता करते हैं, निकलते हैं रोड पे। ओके, तो एज यू कैन सी बारिश हो रही है, रेनकोट पहन लिया है। ये बाइक ऑफिस की है, मैं ऑफिस की बाइक से आजकल जाता हूँ। आजकल क्या, पिछले ऑलमोस्ट 1.5 महीने से ऑफिस की बाइक ले रखी है तो ऑफिस आना जाना उसी से होता है। तो पेट्रोल ख़त्म था तो पेट्रोल डलवा रहे थे, पेटीएम कर देते हैं, चेक करा लो दादा, हमारा तो कट गया, मतलब पैसा कट गया भाई। चलो भैया ऑफिस के लिए निकलते हैं, बारिश हो रही है तो बहुत तेज़ नहीं जा सकते हैं, स्लिप व्लिप होने का डर है। शानदार बाइक तो नहीं है ना अपने पास कि ABS लगा हो, टायर की कंडीशंस बहुत अच्छी हो, ऐसे ही है नॉर्मल काम चलाऊ बाइक होती है यार ये सब। तो ये जो रोड आती है अपने रास्ते में ऑफिस के, बहुत ज़्यादा बेकार हालत की रोड है भाई ये, और बारिश हो गई है तब तो टू डेंजरस। गड्ढे हैं, पॉट होल्स हैं, अब कौन सा गड्ढा कितना गहरा है पानी भरने के बाद थोड़ी समझ में आता है जब तक आप उसमें उतरते नहीं हो, तो गड्ढों से बचा बचा के चलना पड़ता है, ऑफिस भी टाइम पे पहुंचना है, कई सारी चीज़ें हैं जिनसे टैकल करना होता है सवेरे सवेरे के टाइम। मेरे को घर से ऑफिस का रास्ता है 25 किलोमीटर्स, तो ऑलमोस्ट ये जो 25 किलोमीटर्स है ना ऐसी ही रोड है, लाइक 85% ऐसी ही रोड है। इसको कवर करने में 45 मिनट तो जाता ही जाता है, इस 25 किलोमीटर्स को ओवर करने में आई टेक 45 मिनट्स। साइड भी कोई नहीं दे रहा है, आज बारिश है ना सबको बच के चलना है भाई। जो ये पैच है ना ऑफिस से ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर पहले का,
ये पैस तो पूरा ही इंटीरियर वाला रास्ता है, मतलब पूरी ही एकदम ख़राब सी रोड, लेकिन दोनों तरफ खेत ही खेत हैं। तो इधर अभी देखो रोड भी बनने को था तो गिट्टियाँ पड़ी हुई हैं, लेकिन भाई ये आधा अधूरा काम, गिट्टियाँ पड़ गई उसके आगे कुछ भी नहीं हुआ। तो अभी 1.5 किलोमीटर ऐसा रास्ता है बेकार वाला। बाइक्स की हालत ख़राब होती है यार, इंसान की तो होती है लेकिन बाइक्स भी बहुत टूटती हैं इन रास्तों पे। लेकिन आप देखो पूरा दोनों तरफ खेत ही खेत है, बढ़िया ठंडा सा रहता है, ताज़ी हवाएं, गांव की ताज़ी हवाएं। देखो एकदम गांव जैसा माहौल है, इंटीरियर का माहौल है, देख सकते हो आप लोग, पत्थरों के घर विदाउट प्लास्टर। चलो जी ऑफिस आ गए, मिलते हैं अब ऑफिस आवर्स के बाद। हेलो दोस्तों, ऑफिस ख़त्म करके निकल लिए अपन तो घर के तरफ। बारिश हो रही है अभी भी थोड़ी थोड़ी, इसीलिए रेनकोट अभी भी ऑन है मेरा। सुबह से ऑलमोस्ट लगातार ही बारिश हो रही है, तो मौसम हो गया है थोड़ा सा ना ठंडा। रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है यार, पूरा रास्ता जैसे कि मैंने सुबह भी बताया था कि ऑलमोस्ट 85% रोड तो एकदम डैमेज्ड है, खटर खटर। तो उन्हीं रोडों पे तो चल रहा हूँ मैं। अब ऐसा करते हैं पहुँचते हैं घर जल्दी से, फिर बात करते हैं आप लोगों से। गुन्नू और ओगी खेल रहे हैं। ओगी बेटा वो बॉल बैट पे मत रखो, इसके मुंह की बॉल है, वो मुंह में डालता है ना, तो बेड पे नहीं रखते। चलेगा होगी, जा बॉल से खेलो, जाओ। वो बॉल से खेलता है। नो 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 होगी, होगी ऐसे तुम डराओगे सबको, आ जाओ चलो। नो तो गुन्नू आई और उसने सामान बिखेरना चालू कर दिया, माचिस की डिब्बी खोल के पलट दी पूरे घर में इधर उधर। कोई बात नहीं, बच्चे हैं करते रहते हैं ये सब। ओगी के साथ खेल भी रही थी, वो डर भी रही थी क्योंकि ओगी की एक आदत है ना, बच्चों को देख के भागता है उनकी तरफ बहुत तेज, तो ऐसा देख के शायद वो बस डर गई थोड़ा, तो भाग रही थी इससे, बाकी तो शी वॉज चिल। ये देखो भाई साहब को भूख लगती है ना तो किचन में आके ऐसे लेट जाते हैं। ओगी मेरा शैतान बालक, और इधर आओ, तुमने आज क्या किया, एक चीज तुमको दिखाते हैं। ये क्या किया है तुमने, क्या किया है ओगी, ये क्या किया है, व्हाट इज दिस, मैं बताता हूँ व्हाट इज दिस, इधर आओ मेरे पास आओ चलो। ओगी ने एक्चुअली एक दिन, ये हमारा वॉलपेपर है, इसको दिया था फाड़, उसके बाद से हम यहाँ पे लगाते हैं टेप ताकि ये स्टिक ऑन रहे और ओगी इस पे दांत मार के इसे निकाल ना पाए। एक साइड इधर से फाड़ा इसने, एक साइड उधर से भी फाड़ा, देखो वहाँ पे भी टेप लगा हुआ है। भाई साहब ने आज सुबह क्या किया, जब शिल्पी से नजर बचाई इसने तो जो टेपिंग यहाँ लगी थी टेपिंग ही पूरी निकाल दी, और उसके बाद इसको फिर से कुतरने लगा। अब बताओ ओगी, ये खराब हो जाएगा पूरा वॉलपेपर तो कौन जिम्मेदार होगा, कौन जिम्मेदार होगा, इधर मेरी तरफ नजरें मिलाओ मुझसे पहले, कौन जिम्मेदार होगा। हाँ बैठ जाओ, वी कैन सिट एंड टॉक, कौन जिम्मेदार होगा ओगी बताओ, तुम या मैं या कोई तीसरा, तू ऐसी हरकतें क्यों करना, सुधर जाओ यार, सुधर जाओ ओगी प्लीज, अभी भी नजर तुम्हारी इसी टेप पे है, बेशरम हो चुके हो तुम एकदम। तो फिलहाल डिनर रेडी हो गया है, शिल्पी अपना डाइट फूड बना रही है, वेजीज विद बॉइल्ड एग वाइट, और मेरा तो दाल रोटी चावल सब्जी बना है। ओगी ने भी अपना खाना तो खा लिया है, क्योंकि जो बॉइल्ड एग खा रही है ना उसका जो येलो पार्ट है वो हम दे देंगे अपने ओगी को ना, ये एग्स खाना बहुत पसंद है। ओगी आजा, खाएगा, आजा 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 आजा, देख 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 कैसे 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 एकदम खुश हो गया है। शिल्पी का डाइट फूड इज रेडी, आप उसकी शक्ल देखो यार, पहले तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। फ्रेंड्स हमारा खाना सब हो गया है, खाना पीना खा के बातचीत करेंगे, थोड़ा सा गुफ्तगू करेंगे, ओगी को खिलाएंगे, उसके बाद सो जाएंगे, फिर सुबह उठेंगे और कल पूरा दिन एंजॉय करेंगे क्योंकि कल है छुट्टी। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक वीडियो को देखा हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, लिव टुडे एंड लव टुमारो, बाय।